हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस रिटेक। गाइस, रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में, या फिर वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं आप ऑडियो में। यहां पर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वीडियो की जो लार्ज फाइल्स होती है उनको आप कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, वो भी कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं इस तरीके के वीडियो नहीं मिलेंगे, इसलिए जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से अपने टास्क को अचीव कर पाएंगे। और इन्हीं कमांड की हेल्प से हम डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर जो आगे आने वाले समय में आपको वो भी क्रिएट करके बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा टास्क है कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से एक वीडियो फाइल को कंप्रेस करना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वीडियो फाइल से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये मेरा टेस्ट फोल्डर, और टेस्ट फोल्डर में यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो फाइल है, इसको मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ। एक मेरी खुद की बनाई हुई फुटेज है बीकानेर के करणी माता टेम्पल की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। काफी सारे इसमें आपको चूहे नजर आएंगे। ठीक है, चूहों की देवी इनको कहा जाता है। लाखों की संख्या में चूहे उनके मंदिर में मौजूद हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए वीडियो की क्वालिटी को। यहाँ पे वीडियो आपका रन हो रहा है और काफी सारे आपको चूहे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और इसका अब हम साइज देख लेते हैं। 193 MB का साइज है। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर्टीज में जाके आपको साइज दिखा देता हूँ। 193 MB का इसका साइज है। ओके, और लगभग ये आपका 1 मिनट 34 सेकंड का वीडियो है, यानी कि अच्छी क्वालिटी में ये वीडियो शूट किया गया है। तो अब हमें इस वीडियो को कंप्रेस करना है जितना हम कर सकते हैं, और वो भी हम यहाँ पे करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तो क्या कमांड हम यूज करें? तो दोस्तों, जब भी हम वीडियो के साथ या फिर मल्टीमीडिया फाइल्स के साथ कोई भी लाइक कन्वर्टर मेथड यूज करेंगे या फिर कंप्रेशन मेथड यूज करेंगे, वहां पर हम FFmpeg का यूज तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो FFmpeg को आपको अपने सिस्टम में किस तरीके से सेट करना है वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तो आपको ये प्रोसेस करने से पहले वो वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही आप FFmpeg को अपने सिस्टम में सेट कर पाएंगे। ठीक है, FFmpeg की लाइब्रेरी अपने सिस्टम में डाउनलोड कर पाएंगे और उसके बाद आप ये टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको वीडियो बता देता हूँ वो कौन सा देखना है। ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो वो वीडियो आपको पहले देखना है अगर आपने नहीं देखा है, और आपने अगर अपने सिस्टम में FFmpeg सेट कर लिया है तो आप इस कमांड को डायरेक्ट रन कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, कोई पेड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। तो चलिए, मैं इस फोल्डर में हूं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, वापस से देखते हैं। टेस्ट फोल्डर में मैं गया, यहां पे मेरी वीडियो फाइल है, यहां पर मैं ओपन करता हूं कमांड प्रॉम्प्ट। CMD मैंने टाइप करा एड्रेस बार में और कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर ली। ठीक है, यहां पे हम एक कमांड लिखेंगे। कमांड मैं आपको बता देता हूं, यहां पे कमांड आप यहां पे लिखेंगे FFmpeg। FFmpeg आप अपने सिस्टम में स्टोर नहीं करेंगे, इसका एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ऊपर आई बटन में मिलेगा, ये आपको देखना है पहले, जैसे कि आप FFmpeg अपने सिस्टम में स्टोर कर पाए। ठीक है, तो आपके काफी सारी ट्रिक्स इस पर बेस्ड भी आएंगी जो भी मल्टीमीडिया फाइल्स के साथ हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो FFmpeg लिखना है, उसके बाद एक स्पेस देना है, और देन आई लिखना है। आई के बाद यहाँ पे जो आपका सोर्स वीडियो है, लाइक मुझे इसको कंप्रेस करना है। काफी सारे वीडियो ऐसे होते हैं, लाइक अगर आप एक क्रिएटर भी हैं या फिर यूट्यूबर भी हैं, तो आप वीडियो को रेंडर करते होंगे, उनका साइज काफी बड़ा आता होगा, तो आप इसकी मदद से भी उनको कंप्रेस करके फिर यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। लाइक अगर आप रेंडर कर रहे हैं 1.5-2 GB का आपके पास साइज आया रेंडर होके, उसको आप अपलोड करेंगे, आपका सारा नेट वहां पर खर्च हो जाएगा, तो उसको आप कंप्रेस करके और सेम क्वालिटी में आप यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं, जो मैं आपको कमांड बता रहा हूँ उसकी हेल्प से। ठीक है, तो FFmpeg स्पेस हाइफन आई, देन यहां पर इसका नाम जो आपकी फाइल है, जैसे मैंने इसका नाम रखा है test.mp4। ठीक है, स्पेस हो अगर आपके नेम में, लाइक स्पेस हो अगर आपके फाइल नेम में, तो आप वहां पर डबल स्ट्रिंग का यूज करेंगे कैसे, ऐसे। ठीक है, या फिर डबल स्ट्रिंग का यूज आप कहीं भी ले सकते हैं, तो हम इसको एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट ही बना देते हैं कि आपको डबल स्ट्रिंग में लिखना है जो भी है नाम आपकी फाइल का, और जैसा है वैसा का वैसा लिखना है, विद एक्सटेंशन लिखना है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे हम स्पेस देंगे और वीडियो कोडेक यहाँ पे इसका डिफाइन करेंगे। ठीक है, और वीडियो कोडेक डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे हाइफन यूज लेंगे, देन सी, देन कॉलन, देन वी। ठीक है, ये आपको यूज लेना है इसके बाद, यानी कि ये एक वेरिएबल है जो डिफाइन करने के लिए कह रहा है वीडियो कोडेक। अब हम कौन सा कोडेक यूज करेंगे, लाइब आप यहाँ पे लिखेंगे LIB,
देन X264, H.264 का हम यहाँ पे codec यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कंप्रेशन के लिए हम codec का यूज लेते हैं, जिससे कि किसी तरीके की जो क्वालिटी है उसमें भी डिक्रीमेंट ना हो और हम सेम क्वालिटी का वीडियो यहाँ पे यूज कर पाए, ठीक है। तो जस्ट आपको एक बार समझने की बात है, फिर उसके बाद आप इस कमांड को आप कॉपी कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे सोर्स नेम चेंज करेंगे और जो आउटपुट नेम आपको चाहिए वो लिखेंगे, देन आप डायरेक्ट इस कमांड को रन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी बिट रेट यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वीडियो की बिट रेट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे -b:v, ठीक है। देन उसके बाद 1.5 MB की हम यहाँ पे बिट रेट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। देन इसके बाद हम ऑडियो का जो कोडेक है उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं, -c:a, ठीक है। ए फॉर ऑडियो, सी फॉर कोडेक, ठीक है। और कोडेक हम यहाँ पे यूज लेंगे AAC, ठीक है। ऑडियो के लिए हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बिटरेट ऑडियो का, ठीक है, और -b:c:a, और बिटरेट हम यहाँ पे ले रहे हैं 128K, ठीक है। आप यहाँ पे और भी ले सकते हैं, लाइक 356K, और भी बिटरेट बढ़ती चली जाती है ऑडियो की क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन 128K सफिशिएंट है, उसमें आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा, लॉसलेस कंप्रेशन में ये काउंट होता है, ठीक है। 128K लेंगे, देन स्पेस देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जिस नेम से आपको फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है उसका नाम, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे out.mp4, ठीक है। यानी कि ये तो मेरी हो गई सोर्स फाइल, इसको भी आप डबल स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई नीड नहीं है, जब तक आपके नेम में अगर स्पेस नहीं है तब तक कोई, या फिर मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं आपको किसी तरीके कंफ्यूजन ना, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका पूरी कमांड, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस कमांड को, ffmpeg-i, देन स्पेस आपके सोर्स फाइल नेम, ठीक है, स्पेस -c:v, स्पेस जो हमने कोडेक है यहाँ पे डिफाइन किया, libx264, देन स्पेस -b:v, स्पेस 1.5 M, जो कि हमने वीडियो का बिट रेट यहाँ पे डिफाइन किया, स्पेस -c:a, ऑडियो का कोडेक हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं AAC, देन स्पेस -b:a, उसके बाद 128K जो कि बिट रेट है हमारे ऑडियो का, देन उसके बाद स्पेस out.mp4, ठीक है। ये जितनी भी टेक्निकल टर्म आपके सामने आ रही है, कोडेक है, बिटरेट है, इनके बारे में आपको सेपरेट वीडियो बना के डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पर अभी हम कंप्रेस कैसे कर रहे हैं वो आप देखिए, एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो चालू हो गया, और ऊपर देखिए यहाँ पे फाइल क्रिएट भी हो गई है। अब यहाँ पर आपके फाइल के साइज के हिसाब से यहाँ पे टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड आप देख सकते हैं 1.345 MB की जो स्पीड है वो यहाँ पे आ रही है, इस स्पीड से यहाँ पे इसको कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो काफी इफेक्टिव वे है, और देखते हैं कितना कंप्रेस होता है, कितना चेंज आता है, क्या हमारे काम का है भी या नहीं है। काफी सारी कमांड इसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं, उनके बारे में धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा आपकी जरूरत के हिसाब से, लेकिन अभी के लिए मेन कमांड ये है। अगर आपको कोई भी वीडियो कंप्रेस करना है एक पर्टिकुलर साइज में, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है कोई, और सॉफ्टवेयर अगर आप देख रहे हैं तो वो पेड मिल रहा है आपको, तो आप डायरेक्ट इस कमांड का यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको जरूरत है एक बार अपने सिस्टम में ffmpeg की जो लाइब्रेरीज हैं उनको अपने सिस्टम में स्टोर करने का, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इससे पहले वाला वीडियो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जस्ट आपको वो वीडियो वहीं तक देखना है जहां तक मैंने आपको बताया है कि आप स्टोर करके एक एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद आपकी कमांड वर्क करेगी, ठीक है। चाहे तो आप उस वीडियो को पूरा भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आप वीडियो के जो फॉर्मेट से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो टू ऑडियो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कमांड यहाँ पे कंप्लीट होके आ गई है, और आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर जो हमारा एक और फाइल है यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है, out.mp4 के नाम से। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, और अब आप इनके साइज में डिफरेंस देखिए। मैं इसका साइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज आइकन कर देता हूँ। सबसे पहले तो test.mp4 का जो साइज है वो देखिए 193 MB, ठीक है, 1:34 का वीडियो है, ठीक है। और अब आप इसका साइज देखिए out.mp4 का, इसका जो साइज आ रहा है वो 18.5 MB आ रहा है, ठीक है, लेंथ वही है वीडियो की। चलिए मैं इसको रन करके ही बता देता हूँ कि भाई इसकी क्वालिटी में कुछ डिफरेंस आया या नहीं। तो चलिए इसको रन करके बता देते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिटी में यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी जो वीडियो की क्वालिटी है वो सेम आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो पहले वाला वीडियो था लगभग वही क्वालिटी आ रही है। ठीक है, मैं दोनों ही फाइल एक बार रन करके बता देता हूँ। ये मैंने रन कर दिया और इसको मैं VLC में रन कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए कि भैया क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों भी वीडियो को आप देखिए, आपको नजर आ रहा होगा। मेरे हिसाब से तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और दोनों ही क्वालिटी मुझे सेम नजर आ रही है यहाँ पे। तो गाइज ये थी एक छोटी सी जानकारी जो शायद आप लोगों के काम आए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कितनी यूनिक लगी और कितनी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, और क्या आपने इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पहले कहीं देखी है या नहीं, ये मुझे आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नई जानकारी के साथ। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चाहे आप ट्विटर यूज करते हो, चाहे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, चाहे फेसबुक यूज करते हो, जस्ट एक शेयर बटन दबाइए और #BustoEat टैग के साथ आप इसको शेयर कर दीजिए। तो गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।